हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं फायरबर्ड मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह मूवी 2022 को रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 7 रेटिंग्स मिले हैं। और इस मूवी में आप एक ट्रायंगल लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जो तालाब में तैरने गए थे, लेकिन उनमें से एक डूब जाता है और ये ड्रीम स्विमिंग करते हुए सारगे देखता है, जिसके साथ लुइजा और भोलोजा भी थे और ये तीनों मिलिट्री बेस में काम करते थे। लेकिन मैं बता दूं, कहानी का हीरो सरगे को फोटोग्राफी का शौक भी था, तो उसे जब भी मौका मिलता था वो फोटोज लेता था। अब क्योंकि सरगे अपना मिलिट्री सर्विस खत्म होने के बाद नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता था, इसीलिए लुइजा उसे समझाती है मिलिट्री में रुकने के लिए, क्योंकि सरगे अगर मेहनत करेगा तो उसे एक बेटर पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन बेस के बाहर उसके करियर का क्या होगा ये उसे भी नहीं पता। और वैसे भी कर्नल ने सरगे को एक ऑफर दिया है यहाँ पे रुकने का, तो उसे यह चांस मिस करना नहीं चाहिए। और फिर कहानी में आगे हम देखते हैं रोमन को, जो पायलट था और उस बेस में न्यू आया था। अब क्योंकि उसे भी फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए वो सरगे और उसके दोस्तों की पिक खींच देता है। लेकिन आगे कर्नल जब सरगे से पूछता है उनके ऑफर के बारे में उसने क्या सोचा, तब सरगे बताता है कि वो घर जाना चाहता है, जो सुन के कर्नल सरगे को रोमान की हेल्प करने भेजता है। तो आगे सरगे जब रोमान के रूम की साफ सफाई कर रहा था, तब उसे पता चलता है रोमान भी फोटोज डेवलप करता है उसके जैसे। और फिर कहानी में आगे सरगे रोमान को ऐसे देखता है जैसे वो उसको पसंद करने लगा हो, और ये रोमान नोटिस भी करता है। और रात को भोलोजा और सरगे जब वॉकिंग पर गए थे, तब उन दोनों को पता चलता है लुइजा रोमान के साथ है और इसलिए वो उन दोनों के साथ स्विमिंग करने नहीं गई। अब क्योंकि ये चीज देख के सरगे सैड हो गया था, तो भोलोजा उसे बोलता है कुछ करने के लिए, नहीं तो बहुत ही जल्द लुइजा उसके हाथ से निकल जाएगी। अब भोलोजा सा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता था सरगे लुइजा से प्यार करता है। फिलहाल अगले दिन रोमान जब लुइजा से मिलने आता है, तब सरगे रोमान से पूछता है क्या उसके पास कुछ टाइम है फोटो डेवलप करने के लिए। तो रात को सरगे रोमान के पास जाके फोटोस डेवलप करना सीखता है और बाद में दोनों ड्रिंक भी करते हैं। अब क्योंकि सरगे ने इतना ज्यादा पी लिया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए रोमान उसे रात को उसके साथ रुकने के लिए बोलता है, जो सुन के सरगे मना कर देता है क्योंकि बेस के बाहर जाना रूल्स के खिलाफ था। अब क्योंकि रोमान उसे जाने नहीं दे रहा था, इसलिए सरगे वही रुक जाता है। लेकिन सुबह को सरगे फिर से वही ड्रीम देख के उठ जाता है और जल्दी से बेस में जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन बेस में जाने के बाद सरगे का लीडर उसे एक लड़के के साथ फिजिकल होने बोलता है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया था। तो वो लीडर जब सरगे को फोर्स कर रहा था फिजिकल होने के लिए, तभी सबको प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया जाता है और सरगे वो काम करने से बच जाता है। और फिर कहानी में आगे रोमन सरगे को शहर लेके जाता है एक प्ले दिखाने के लिए, जहां रोमन अपने फैमिली के साथ प्ले देखता है। अब क्योंकि सरगे पहली बार प्ले देख रहा था, इसलिए उसे बहुत अमेजिंग फील होता है। और फिर रास्ते में रोमन सरगे से पूछता है कि उसे प्ले कैसा लगा, तो सरगे बताता है कि बहुत अच्छा था। लेकिन फिर सरगे रोमन को बताता है उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था और वो दोनों साथ में स्कूल भी जाते थे। लेकिन फिर सरगे सैड जाता है जैसे उसके दोस्त के साथ कुछ हुआ हो। लेकिन आगे रोमान सरगे को समझाता है मिलिट्री ना छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसे एक बेटर जॉब मिल सकती है। जो सुन के सरगे बताता है कि उसे वो जॉब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में से सिर्फ 20 लोगों को लिया जाता है, तो इससे अच्छा यही है कि वो अपने माँ की हेल्प करे। और फिर कहानी में आगे दोनों बॉर्डर जोन में जाते हैं, जहाँ पे जाना सबके लिए मना है। और वहाँ पे रोमान सरगे से पूछता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तब सरगे बताता है कि नहीं है। लेकिन सरगे जब सेम सवाल रोमान से पूछने वाला था, तभी वहाँ पे बॉर्डर के गार्ड्स आ जाते हैं, तो दोनों उनसे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाते हैं और गार्ड्स के चले जाने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं। आगे भोलोजा सरगे से पूछता है कि वो पिछले रात कहाँ था, क्योंकि लुइजा और वो उसके लिए इंतजार कर रहे थे और लास्ट में लुइजा गुस्सा होकर चली गई। अब क्योंकि भोलोजा सवाल पूछे जा रहा था, तो उसके सवालों से बचने के लिए सरगे गेम खेलता है। लेकिन फिर लुइजा के पूछने पर सरगे बताता है
कि रोमन दूसरे ऑफिसर्स के जैसा नहीं है। अब क्योंकि इस वीकेंड में सर्गे को रोमन को कहीं पर लेके जाना था घूमने के लिए, इसीलिए सर्गे लुइजा से पूछता है कि वो उसे कहाँ लेके जाए, जो सुन के लुइजा कहती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाना चाहती है। और रात को जब सर्गे अपने दोस्तों को जोक सुना रहा था, तभी मेजर आके सर्गे को अपने साथ लेके जाते हैं और उसे बेस में जोक बोलने के लिए मना करते हैं। और अगर सर्गे को रोमन के बारे में कुछ भी अजीब पता चले तो उनको रिपोर्ट करने के लिए भी बोलते हैं। फिलहाल वीकेंड में जब तीनों साथ में घूमने जाते हैं, तब लुइजा रोमन से चिपकी रहती है और सर्गे उन दोनों को देखता रहता है। लेकिन फिर रोमन लुइजा में फोकस ना करके सर्गे की फोटो लेता है। और फिर बेस में जब सारे कैडेट्स मिलके मूवी देख रहे थे, तब सर्गे रोमन और लुइजा को साथ में देख के जेलस फील करता है और इसलिए वहाँ से चले जाता है, जो देख के रोमन सर्गे के पीछे जाता है और उसे किस करता है। लेकिन तभी उन दोनों पर लाइट पड़ता है और इसलिए दोनों बेस के बाहर स्विमिंग करने जाते हैं और वहाँ एक रॉक के पीछे एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और अगले दिन सर्गे जब लुइजा को बताता है कि उसने एक ड्रामा स्कूल में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई कर दिया है और कुछ दिनों में उसका ऑडिशन भी है, जो सुन के लुइजा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी सर्गे बेस में ही रहे और वैसे भी लुइजा उसे प्यार करती थी। और फिर रोमन आके जब लुइजा से बात करता है, तब लुइजा उस पर भी गुस्सा हो जाती है, जो देख के रोमन और सर्गे हंसते रहते हैं। आगे कर्नल जब रोमन के काम के लिए उसकी तारीफ कर रहा था, तभी मेजर आके कर्नल को बताते हैं कि रोमन गे है। उनके पास एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये साफ साफ लिखा है, लेकिन उसके पार्टनर का नाम नहीं पता। जो सुन के रोमन डर जाता है क्योंकि तब के जमाने में गे होने का मतलब जेल जाना था। फिलहाल मेजर जब रोमन से पूछता है कि उसके पार्टनर का नाम क्या है, तब रोमन कहता है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है और ये रिपोर्ट जरा सा झूठ है। जो सुन के कर्नल रोमन की बात पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन मेजर गुस्सा हो जाते हैं। और सर्गे जब रोमन को जाते हुए देखता है, वो उसे बात करने जाता है, तब रोमन सर्गे को बताता है किसने उन दोनों पर रिपोर्ट बनाया है। अब क्योंकि उस रिपोर्ट में किसी का भी नाम नहीं है, इसलिए वो दोनों बच गए, लेकिन अब से उन दोनों को सावधान रहना पड़ेगा। जो सुन के सर्गे ये समझ नहीं पाता है कि रिपोर्ट किसने भेजा होगा, क्योंकि मेजर ने सर्गे को बोला था रिपोर्ट देने के लिए और उसने कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजा। तो सर्गे जब ये सब सोच रहा था, तभी इमरजेंसी आती है। तो आगे सर्गे कर्नल के साथ मेन रूम में जाता है, जहां उसे पता चलता है रोमन जो प्लेन चला रहा है उसके इंजन पूरी तरीके से खराब हो गया है और इसलिए उसे इमिडिएटली लैंड करना पड़ेगा। जो सुन के कर्नल रोमन को मना करते हैं, क्योंकि लैंड करना बहुत ही डेंजरस हो सकता था, और इसलिए वो रोमन को सजेस्ट करते हैं सी में उतरने के लिए। लेकिन रोमन जिद करता है कि वो लैंड करेगा। जो सुन के सर्गे टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर कर्नल के कहने पर सर्गे हाईवे पर जाता है और अपना सारा ताकत लगा के मशीन को चालू करके रोमन को बचा लेता है। लेकिन सर्गे जब रोमन को देखने के लिए जाने वाला था, तभी एक ऑफिसर उसे अपने स्टेशन पर वापस जाने बोलती है, तो सर्गे रोमन को बिना देखे ही चल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद सर्गे रोमन से मिलने जाता है और उसे ठीक देख के बहुत खुश हो जाता है। और फिर दोनों रोमन के रूम में पहली बार फिजिकल होते हैं। और फिर रोमन सर्गे को उसका एक फेवरेट टॉय देता है, ताकि सर्गे उसे कभी भूले ना। लेकिन जब सर्गे कहता है कि वो दोनों स्वीडन जाकर साथ में रहेंगे, तब रोमन मना कर देता है क्योंकि वो अपने माँ को छोड़ के नहीं जा सकता था। जो सुन के सर्गे सैड हो जाता है, तो रोमन उसका मूड ठीक करने के लिए बोलता है कि अगर सर्गे को ड्रामा स्कूल में चांस मिल गया, तो वहाँ रोमन उससे मिलने और वो दोनों साथ में बहुत सारे शोज और प्लेस देखेंगे। तो दोनों जब बात कर रहे थे, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, इसलिए सर्गे बाथरूम में छुप जाता है। और रोमन जब दरवाजा खोलता है, वो देखता है मेजर को, जो उसके रूम की छानबीन करता है और इवन बाथरूम में भी जाता है, लेकिन वहाँ पे वो किसी को भी देख नहीं पाता। और इसलिए वो जाते वक्त रोमन को वार्न करते हैं कि अगर उस रिपोर्ट में जरा सा भी सच है तो वो जरूर पता लगाएंगे और फिर रोमन को उससे कोई बचा नहीं पाएगा और पर्सनली वो ये देखेंगे रोमन कभी भी फ्लाई ना करे। जो सुन के रोमन चुप रहता है। और फिर मेजर के जाने के बाद रोमन देखता है सर्गे बाथटब में छुपा था। तो आगे सर्गे कुछ बोलता उसके पहले ही रोमन उसे बेस पर वापस जाने बोलता है। अब क्योंकि सर्गे का मिलिट्री सर्विस खत्म होने वाला था, इसलिए वो रोमन को बताता है उसने मॉस्को जाने का प्लान किया है। जो सुन के रोमन गुस्सा हो जाता है और सर्गे को समझाता है कि पिछले रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और वो सर्गे से प्यार नहीं करता है। जो सुन के सर्गे को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन
दिन जब सर्गे बेस से हमेशा के लिए जाने वाला था, तब लुईजा बहुत सैड जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी सर्गे वापस जाए। और सर्गे इसलिए सैड था क्योंकि रोमन उसे लास्ट बार बाय बोलने भी नहीं आया। और फिर कहानी में आगे दिखाते हैं एक साल बाद की स्टोरी, जब सर्गे ड्रामा स्कूल में एक्टिंग सीख रहा था और वहाँ पे उसके कुछ दोस्त भी बने थे। लेकिन फिर एक दिन लुईजा सर्गे से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो रोमन से शादी करने वाली है और वो सर्गे को इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आई है। जो सुन के सर्गे लुईजा को कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसके जाने के बाद सर्गे गुस्सा हो जाता है। और फिर उन दोनों के शादी में जब सर्गे जाता है, तब सर्गे को देख के कर्नल को लगता है सर्गे लुईजा से प्यार करता था और इसलिए वो उन दोनों को साथ में देख नहीं पा रहा है। और इसलिए कर्नल जब सर्गे को समझा रहा था, तब सर्गे गुस्सा होके कहीं और जाता है। तो कुछ देर बाद रोमन उससे मिलने आता है और उसके लाइफ के बारे में पूछता है। लेकिन सर्गे रोमन से एक ही सवाल पूछता है, क्या वो सच में लुईजा से प्यार करता है या नहीं। तो रोमन बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन सर्गे को रोमन की बातों पर विश्वास नहीं होता है और इसलिए वो फिर से पूछता है। तो रोमन बताता है उसने सर्गे को प्रोटेक्ट किया है सबसे, क्योंकि उन जैसे आदमियों के साथ क्या होता है ये उसको भी पता है। जो सुन के सर्गे बहुत गुस्सा हो जाता है। तो आगे सर्गे जब जाने वाला था, तब रोमन उसे रोकता है। तो आगे सर्गे उसको बताता है उसने बहुत कोशिश किया रोमन को भूलने की, लेकिन वो उसे भुला नहीं पाया। और बस वो यही सोचता रहा कि एक दिन रोमन उसके पास जरूर आएगा, लेकिन रोमन नहीं आया। आगे सर्गे जब रोमन को किस करने वाला था, तभी वहाँ पे मेजर आते हैं, जिनको देख के रोमन सर्गे को धकेल देता है और दोनों पकड़े जाने से बच जाते हैं। और फिर रोमन जब अपने बीबी के पास जा रहा था, तब सर्गे उसको बताता है वो दोनों मॉस्को जा सकते हैं, जहाँ उन दोनों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन रोमन उसके लिए मना कर देता है क्योंकि लुईजा प्रेग्नेंट थी। जो सुन के सर्गे रोता रहता है। और फिर कहानी में आगे दिखाते हैं 4 साल बाद की स्टोरी, जब एक तरफ सर्गे थिएटर करता था और दूसरी तरफ रोमन अपने बीबी और बच्चे के साथ था, लेकिन वो सर्गे को भूला नहीं था। लेकिन फिर एक दिन रोमन अपने बीबी को बताता है कि वो कुछ महीने के लिए मॉस्को जा रहा है और वहाँ से आने के बाद उसको प्रमोशन मिल जाएगा, तो फिर वो एक बड़ा अपार्टमेंट ले सकते हैं रहने के लिए। जो सुन के लुईजा कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन रोमन मना कर देता है। आगे लुईजा जब रोमन की हेल्प कर रही थी बैकपैक करने में, तभी उसे कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें सर्गे था, जो देखकर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता है। और फिर रोमन अपने बीबी और बेटे को बाय बोल के मॉस्को जाता है। तो आगे सर्गे का प्ले खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कोई उससे मिलने आया है। तो सर्गे जब बाहर जाता है, वो देखता है रोमन को, जो सर्गे को बताता है कि उसका प्ले बहुत ही अच्छा था। लेकिन सर्गे ये सोचता है कि रोमन वहाँ पे क्यों आया था, और ये बात वो रोमन से पूछता भी है। जो सुन के रोमन बताता है कि पे उसका एक अपार्टमेंट है और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले उसके पास टाइम है, तो वो दोनों साथ में घूम सकते हैं। जो सुन के सर्गे गुस्सा हो जाता है क्योंकि रोमन शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, और इसलिए सर्गे उसको सुना के चले जाता है। और फिर कहानी में आगे रोमन सर्गे के लिए इंतजार करता है और सर्गे सारा कुछ भूल के रोमन के पास आता भी है। और फिर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, फोटोज भी लेते हैं। लेकिन फिर रोमन जब समुद्र में झलांग लगाता है, तब सर्गे वो देख के डर जाता है। और फिर आगे सर्गे रोमन को आता है कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसको एक दिन उसके पापा बहुत मार रहे थे। अब क्योंकि सर्गे वो सब देख रहा था, तो उसका दोस्त उसके तरफ देखता है ताकि सर्गे उसे बचा ले। लेकिन तब सर्गे वहाँ से भाग गया था और 3 दिन बाद उसके दोस्त की लाश फॉरेस्ट में मिला। और इसलिए सर्गे वो ड्रीम देखता है जिसमें उसका दोस्त तालाब में डूब रहा होता है। जो सुन के रोमन सर्गे को समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर कहानी में आगे सर्गे रोमन के साथ उसके घर में रहता है, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब रोमन अपने घर में एक पार्टी रखता है जहाँ उन दोनों के सारे दोस्त और भोलोज्जा भी था, वहाँ रोमन और सर्गे को किस करते हुए भोलोज्जा देख लेता है। तो आगे सर्गे जब उसे समझाने जाता है, तब भोलोज्जा बताता है कि उसे पता था रोमन गे है और उसने ही मेजर को वो रिपोर्ट भेजा था। लेकिन उसे ये पता नहीं था रोमन का वो पार्टनर और कोई नहीं सर्गे है। जो सुन के सर्गे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस रिपोर्ट के वजह से वो दोनों जेल जा सकते थे। लेकिन फिर सर्गे भोलोज्जा को समझाता है कि वो रोमन से प्यार करता है, तो ये बात भोलोज्जा किसी को भी नहीं बताएगा, लुईजा को भी नहीं। जो सुन के भोलोज्जा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग है, और वैसे भी सर्गे ने लुईजा की लाइफ बर्बाद कर दिया है। और फिर वो सर्गे को बताता है कि रोमन कभी भी लुईजा और एयरफोर्स को छोड़ के उसके पास नहीं आएगा, और ये बोल के भोलोज्जा चले जाता है। लेकिन उसकी बात सर्गे सोचने लगता है। फिलहाल कहानी में आगे रोमन को जब पता चलता है लुईजा और उसका बेटा उससे मिलने मॉस्को आ रहे हैं, तब रोमन सर्गे को बोलता है उसकी चीजें
पैक करके कहीं और जाने के लिए, क्योंकि ये अपार्टमेंट उसका है और लुईजा उसकी बीबी है। जोस उनके सर्गे को बहुत बुरा लगता है। अब क्योंकि वो रोमान के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो रोमान को बोलता है लुईजा को ये बताने के लिए कि वो उन दोनों से मिलने आया है। जो सुन के रोमान मना कर देता है, लेकिन फिर भी सर्गे जिद करता है तो रोमान उसे एक छोटे से कमरे में रहने देता है। और फिर न्यू ईयर से पहले लुईजा जब अपने बेटे के साथ रोमान के पास आती है, तब वो वहाँ पे सर्गे को देखती है और सर्गे लुईजा को झूठ बोलता है कि वो उन दोनों से मिलने आया है। और फिर तीनों साथ में न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन सर्गे अपने रूम में बैठ के रोता रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था रोमान को किसी के साथ भी शेयर करना। और इसलिए अगले दिन सर्गे एक लेटर छोड़ के वहाँ से चल जाता है, जिसमें लिखा था सर्गे अब उन दोनों के बीच कभी नहीं आएगा और रोमान को अब से उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये लेटर लुईजा ने पढ़ लिया था, इसलिए उसके और रोमान के बीच लड़ाई हो जाती है और लुईजा भी अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर कहानी में आगे एक महीना बाद सर्गे जब मॉस्को वापस आता है, तब एक दोस्त उसको बताती है कि रोमान उसे ढूंढ रहा था और उसने एक लेटर भी दिया है। तो आगे सर्गे जब वो लेटर पढ़ता है, तब वो कर्नल को कॉल करके पूछता है रोमान के बारे में। तो कर्नल उसे बताते हैं रोमान को न्यू ईयर के बाद ही अफगानिस्तान भेज दिया गया था और लास्ट मंडे उसकी डेथ हो गया। जो सुन के सर्गे शॉक्ड हो जाता है और फिर से वो रोमान का लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि वो लुईजा और सर्गे दोनों से प्यार करता है और इसलिए वो उन दोनों में किसी एक को चूज नहीं कर सकता है। तो आगे सर्गे जब लुईजा से मिलने जाता है, तब लुईजा उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और फिर भी सर्गे ने उसके साथ ऐसा किया। जो सुन के सर्गे लुईजा से माफी मांगता है, लेकिन लुईजा उसे माफ नहीं करती है और सर्गे को ऐसा फील कराती है कि रोमान के लाइफ में सर्गे कुछ नहीं था। जो सुन के सर्गे लुईजा को समझाता है कि अगर रोमान के लाइफ में सर्गे कुछ नहीं होता तो रोमान उसके साथ रहने के लिए मॉस्को नहीं जाता। और लुईजा जैसा फील कर रही है रोमान के मरने पर, ठीक वैसा ही फील वो कर रहा है। जो सुन के लुईजा गुस्सा हो जाती है और रोमान ने सर्गे की जितने भी फोटो अपने पास रखा था वो सर्गे को दे देती है। लेकिन फिर रोमान का बेटा जब सर्गे से पूछता है कि उसके पापा कहाँ है और वो घर वापस कब आएंगे, तब लुईजा उसको समझाती है कि उसके पापा हेवन में है। और फिर सर्गे लुईजा के घर वो प्लेन रख के जाता है जो प्लेन उसको रोमान ने दिया था। उसके बाद सर्गे उसी को देखने जाता है जहाँ एक पत्थर के पीछे वो और रोमान पहली बार क्लोज हुए थे। और फिर सर्गे उस जगह जाता है जहाँ रोमान ने उसे पहली बार शो दिखाने के लिए लेके गया था। तो वहाँ पे सर्गे रोमान को याद करके रोता रहता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, ये एक ट्रू स्टोरी है और ये स्टोरी तब की है जब चारों तरफ कोल्ड वॉर चल रहा था और तीनों ही सोवियत एयरफोर्स में काम करते थे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।